हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। यूपीएससी की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। इसके एग्ज़ाम हर साल 10 से 15 लाख बच्चे देते हैं। 2024 यूपीएससी में 1056 वैकेंसी निकली हैं, जिसमें से 180 से 200 आईएएस ऑफिसर बनेंगे, 37 आईपीएस ऑफिसर बनेंगे एंड 613 आईएफएस ऑफिसर्स बनेंगे। यूपीएससी के टॉपर्स की बात की जाए तो 2020 में शुभम कुमार आईएएस थे, 2021 में श्रुति शर्मा आईएएस हैं, 2022 में इशिता किशोरे आईएएस हैं एंड 2023 में आदित्य श्रीवास्तव आईएएस हैं। ये सभी यूपीएससी एयर वन रैंकर्स हैं। यूपीएससी एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें प्रीलियम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है एंड देन ट्रेनिंग होती है। प्रीलियम्स एग्जाम में टू पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज एंड सीसेट के। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं एंड पेपर वन 200 मार्क्स का होता है, पेपर टू भी 200 मार्क्स का होता है। दोनों मिलाकर 400 मार्क्स के प्रीलियम्स आपका होता है। यूपीएससी मेंस की बात की जाए तो इसमें 9 पेपर्स होते हैं जो कि आपके 5 to 7 डेज में कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके टोटल मार्क्स 1750 होते हैं। इसमें आपका GS1, GS2, GS3, GS4 इंग्लिश एंड 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं एंड 1 इंडियन लैंग्वेज होता है एंड 1 होता है ऐसे पेपर। हर पेपर के लिए आपको 3 आवर्स मिलते हैं। यूपीएससी इंटरव्यू की बात की जाए तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सेकंड, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। फोर्थ, व्हाट मोटिवेट यू टू अपियर फॉर द यूपीएससी एग्जाम। एंड फिफ्थ, डिस्कस अ करेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू डेट इंटरेस्ट यू। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, जो कि ज्यादातर चांस हैं आपसे पूछने के, तो इनकी तो ट्रेनिंग करके ही जाइएगा। यूपीएससी ट्रेनिंग की बात की जाए तो इसमें 2 साल की ट्रेनिंग होती है लबासना में। लबासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर कई प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि कुकिंग, बेकिंग, टेनिस, हॉर्स राइडिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन, बैडमिंटन, योगा, जंगल एडवेंचर, अनआर्म्ड कॉम्बैट, रेगुलर स्टडीज, अदर्स। यूपीएससी अटेम्प्ट्स की बात की जाए तो जनरल वालों को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, ओबीसी वालों को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं एंड एससी एसटी वालों को अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग हाफ मार्क्स की होती है, 1/2 की। यूपीएससी फ्री फैसिलिटीज की बात की जाए तो इसमें आपको कार मिलती है, ड्राइवर मिलता है, पुलिस सिक्योरिटी मिलती है, हाउस मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, फ्री पिस्टल मिलती है, कलेक्टर बंगला मिलता है एंड 1,56,000 की मंथली सैलरी मिलती है। अगर आपको यूपीएससी एग्जाम निकालना है तो आपके पास कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपको इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, दूसरी बात आपकी राइटिंग स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए और रीडिंग स्किल्स भी बहुत तेज होने चाहिए, आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, टाइम टू टाइम आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए और टाइम टू टाइम रिवीजन के साथ आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी लगाने हैं। यूपीएससी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपको 12th पास होना चाहिए और आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। सिंपल में बोलूं तो बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन की कोई सी भी डिग्री होनी चाहिए। आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और आप इंडियन के सिटीजन होने चाहिए, यानी कि प्रॉपर इंडियन होने चाहिए। यूपीएससी की बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग की बात की जाए तो दृष्टि आईएएस, जो कि विकास दिव्यकीर्ति सर करवाते हैं, एंड सेकंड नंबर पर है खान सर यूपीएससी। यही थी आज की यूपीएससी की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट भी कर दें। और आपके मन में अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर वहीं पर कर दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।